हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, समुंदर तू किनारा है, ये वीडियो टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दो वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे आप, आउटडोर वीडियो को शूट करना है। वीडियो जब शूट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं। जब आपका वीडियो शूट हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे रखे है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे रखे है, सिंपल आपको वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो कुछ आपका इस तरह से है। फर्स्ट में आपको दो जगह यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट यहाँ पर और सेकेंड लास्ट में। इसके बाद क्या करना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट एस लेयर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं वीडियो आपका लेयर में आ चुका है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 4 डॉट का, सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर देना है। वीडियो आपका डबल लेयर में आ जाएंगे। जो आपने वीडियो लेयर लिए थे उस वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद इसे डन करते हैं। इसके बाद जहाँ से आपका देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 3.0 या 3.1 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं एक बार दोबारा क्लिक कर देख लेता हूँ। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद फिर से हमें 3.1 या फिर 3.2 पे आना है, 3.1 पे आ जाना है। इसके बाद कुछ इस तरह से प्रेस करके रखना, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद लास्ट तक लेकर आना है, जहाँ तक आपका ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रीन स्क्रीन खत्म हो रहा है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। आपका वीडियो बैक में हो जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आपने क्लियर लिए थे ग्रीन स्क्रीन वाले वाले लेयर वाले वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। क्रोमा की को सिर्फ आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन करना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल स्क्रीन कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कलर फिल्टर पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद डन करता हूँ। इस वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद लास्ट में आना है, जहाँ से आपका ग्रीन स्क्रीन फिर से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आ जाना है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद जो आपने सेकेंड वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको इस सेकेंड वीडियो में भी कुछ पार्ट एक्स्ट्रा होगा, तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसे प्रेस करके रखेंगे, ऑटोमेटिक अब लास्ट तक आ जाएंगे। फिर से प्रेस करके रखेंगे और जहाँ से आपका ग्रीन स्क्रीन दिखा रहा है वहाँ से आपको सेट कर देना है। तो आपको देख लेना है 1 से 2 बार प्ले कर ग्रीन स्क्रीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट सेट हो चुका है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन इसे आपको कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कलर फिल्टर पे आना है और जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ से बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं या कलर भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ये वीडियो फिलहाल में टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।